लोग, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चावल के आटे से बनने वाले ये ट्रेडिशनल स्टीम मोदक की रेसिपी। इसे आप बहुत ही झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो स्टीम मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे 1.5 कप पानी। तो यहाँ पर ये मैंने 1 कप पानी डाल दिया है, इसी के साथ 1/2 कप हम और डाल देंगे। तो टोटल हमने यहाँ पर 1.5 कप पानी ले लिया है और गैस को हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, मैंने 1/4 टीस्पून के जितना नमक डाल दिया है। साथ ही हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच डाल देंगे यहाँ पर चीनी, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच के जितना घी। अब यहाँ पर हम 2 चम्मच इसमें दूध डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल दूध लिया है, इसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है इसमें लगभग 2 टेबलस्पून। दूध डालने से जो आपके मोदक हैं एकदम 100% व्हाइट बनते हैं, तो आप ज़रूर से इसमें दूध डालिए। अच्छे से अब हम सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर देंगे और अच्छे से पानी को गर्म होने देंगे। तो पानी जैसे ही हमारा अच्छे से बिल्कुल गर्म हो जाएगा तो इसमें अब हम यहाँ पर डालेंगे चावल का आटा। तो यहाँ पर ये 1 कप डाल दिया है, इसी के साथ 1/2 कप और डाल देंगे। तो हमने 1.5 कप पानी लिया था तो हम 1.5 कप चावल का आटा इसमें डालेंगे। अगर आप 1 कप चावल का आटा यूज़ करने वाले हैं तो आपको यहाँ पर 1 कप पानी लेना होगा। तो अच्छे से अब हम सारी चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और गैस को आपको यहाँ पर मीडियम रखना है और बिल्कुल इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और यहाँ पर अब हम इसे ढक कर लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट करने देंगे ताकि स्टीम में अच्छे से कुक होता रहे। तो गैस को आपको बंद कर देना है, उसे ढक कर लगभग 10 मिनट के लिए हम इसे साइड में रख देंगे। और चलिए अब हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो पैन रखेंगे और पैन में हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और घी को हम बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर मेल्ट होने देंगे। तो घी हमारा जैसे ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। तो मैंने यहाँ पर ये 1 छोटी चम्मच खसखस इसमें डाल दी है। काफ़ी लोग खसखस डालते हैं और काफ़ी लोग नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली खसखस यूज़ किया जाता है इस मोदक के लिए। खसखस को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से कुछ सेकेंड्स के लिए यहाँ पर रोस्ट कर लेंगे। और बिल्कुल अच्छे से हमारी खसखस भी यहाँ पर कुछ सेकेंड्स में इस तरीके से आप देख सकते हैं फूल गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर ये नारियल। तो मैंने यहाँ पे ये 1 कप फ्रेश नारियल यूज़ किया है, नारियल को अच्छे से ग्रेट करके यूज़ किया। आप चाहें तो यहाँ पे जो ड्राई कोकोनट आता है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए हम यहाँ पर घी में नारियल को अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा जायफल डाल रही हूँ जिसे मैं यहाँ पर इस तरीके से ग्रेट करके डाल दूँ। बहुत थोड़ा सा ही डालेंगे, 1 से 2 बार आप इस तरीके से इसमें ग्रेट करके डाल लें। और फिर अब हम इसी के साथ इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए 1/4 टीस्पून के जितना इलायची का पाउडर। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इलायची पाउडर का, आप ज़रूर से इसमें डालिए। और जायफल डालना टोटली ऑप्शनल है। अब हम सारी चीज़ों को वापस से अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे गुड़। तो यहाँ पर ये मैं पाउडर गुड़ का यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास नॉर्मल वाला गुड़ है तो आप उसके छोटे छोटे पीसेस करके फिर आप इसमें डाल सकते हैं। 1 कप नारियल लिया था हमने तो 1/2 कप हम इसमें गुड़ का पाउडर डाल देंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्वीटनेस होगा इसके लिए। जैसे जैसे गुड़ यहाँ पर इसमें कुक होते जाएगा वैसे वैसे स्टफिंग थोड़ी सी हमारी गीली होती जाएगी और वापस ये फिर ड्राई हो जाएगी। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हुए लगभग 2 मिनट के लिए हम यहाँ पे लो मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेंगे। और आप देख सकते हैं गुड़ बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर नारियल के बीच में मिक्स हो गया है। और बस ये हमें इसे इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे और ये इतना ड्राई बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का पाउडर। तो मेरे पास यहाँ पे मिक्स ड्राई फ्रूट का पाउडर था तो मैंने वो डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें बारीक चॉप करके यहाँ पे वॉलनट्स या फिर आप चाहें तो बादाम, काजू, आपकी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से ड्राई फ्रूट का पाउडर डालने के बाद लगभग मैंने इसमें 2 चम्मच ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल दिया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम और बस यहाँ पर गैस को अब बंद कर देंगे। और अब अपनी स्टफिंग को बिल्कुल अच्छे से हम यहाँ पर ठंडा कर लेना है। तो इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडी करके इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। हमारा जो आटा है जो हमने कुक किया था वो भी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर ठंडा हो गया है, लेकिन ये हल्का सा अभी गर्म ही है। आप इतना गर्म रहे कि आप इसे हाथ लगा सकें आसानी से, बस इतना ही हमें इसे ठंडा करना होता है। और अच्छे से इसे बिल्कुल हम यहाँ पर भून लेंगे और इस तरीके से इकट्ठा करके हम इसे एक प्लेट में निकाल कर बिल्कुल हमें इसे चिकना कर लेना है। तो आटे को बिल्कुल मैंने यहाँ पे अच्छे से एक प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इस पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे अपने हाथों पर और इसे बिल्कुल अच्छे से हमें यहाँ पर स्मूथ कर लेना है ताकि इसमें कोई भी क्रैक्स ना रहे और बिल्कुल चिकना कर लेना है।
तो आटे को मैंने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से गूंद लिया है और अब हम इसे यहाँ पर हल्के गीले कपड़े से इस तरीके से ढक कर रखेंगे ताकि ये बिल्कुल भी ड्राई ना हो। तो यहाँ पर हम इसे ढक के रख देंगे और यहाँ पर मैंने ये ले लिया है मोदक बनाने का मोल्ड। वैसे तो ट्रेडिशनली मोदक को हाथ से बनाया जाता है लेकिन मैं आज यहाँ पर इस मोल्ड का यूज़ करके इसे बना रही हूँ और इसे अब हम यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल ग्रीस कर लेंगे घी से। तो हमें यहाँ पर पहले एक बार इसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है और फिर अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये जो मिक्सर है हमने आटे वाला बनाया है इसे हम अपने हाथों में लेकर अच्छे से चिकना कर लेंगे और ये जो मोल्ड हमने लिया है इसमें हम डालकर यहाँ पर कुछ इस तरीके से मोदक बनाएंगे। तो इस मिक्सर को हम इस तरीके से बिल्कुल अंदर प्रेस करते हुए डाल देंगे और बीच में हम थोड़ी सी जगह बना लेंगे इसमें ताकि हम इसमें अच्छे से स्टफिंग कर सकें। जो स्टफिंग हमने तैयार की है उसके मैंने छोटे छोटे से बॉल्स रेडी कर लिए हैं। तो इस तरीके से हम इसमें अच्छे से प्रेस करते हुए स्टफिंग डालने के लिए जगह बना लेंगे और इसमें हम इस तरीके से स्टफिंग डाल देंगे और अच्छे से इसे प्रेस कर लेंगे और थोड़ा सा हम ये जो आटे वाला मिक्सर है इसके ऊपर लगा लेंगे ताकि अच्छे से सील हो जाए और अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो बस ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा मोदक यहाँ पर तैयार हो गया है। तो सेम इसी तरीके से मैंने कुछ छोटे मोदक बना लिए हैं और फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा बड़ी साइज़ का मोल्ड यूज़ किया है, इससे थोड़े से अलग डिज़ाइन के मोदक बनेंगे। और इसमें भी हम सेम तरीके से मैंने इसमें घी लगा लिया था, अच्छे से इसे ग्रीस कर लिया है और ये आटे वाला मिक्सर इसमें डालकर इस तरीके से हमने इसमें बीच में थोड़ी सी जगह बना लेनी है। अगर आप थोड़ा सा बड़ी साइज़ का मोल्ड यूज़ करेंगे तो आपको उसमें अच्छे से आप उसमें स्टफिंग डाल सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी की आप इसमें स्टफिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें अच्छे से स्टफिंग डाल दी है और स्टफिंग डालने के बाद अच्छे से आप उसे प्रेस करें और वापस अब यहाँ पर थोड़ा सा ये आटे वाला मिक्सर लगाकर इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे मैंने इस तरीके से कवर कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो आप अपनी पसंद से छोटे या फिर बड़ी साइज़ के मोदक यहाँ पर बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मोदक भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो बस ऐसे ही हम सारे मोदक तैयार कर लेंगे। और अब यहाँ पर मोदक को स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर ये इस तरीके की छन्नी ले ली है और अब हम इसे अच्छे से बिल्कुल घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम मोदक को स्टीम करने के लिए रखें तो वो इसमें चिपक ना जाए। तो ध्यान रखें आप इसे अच्छे से पहले घी से ग्रीस कर लें, उसके बाद ही आप इसके ऊपर मोदक रखें। तो जो हमने मोदक बनाकर तैयार किए हैं वो एक एक करके हम इसके ऊपर रख लेंगे। तो ये जो बड़े वाले मोदक हमने बनाए थे वो यहाँ पर रख दिए हैं और इसी के साथ जो छोटी साइज़ के मोदक बनाए थे हमने छोटे वाले मोल्ड वो भी मैंने रख दिए हैं। तो जितने मोदक आ सकते हैं आप उतने इस पे छन्नी के ऊपर रख लें। और अब हम यहाँ पर पानी देख लेंगे। तो पानी को मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया है और इसके ऊपर अब हम ये मोदक वाली छन्नी रखेंगे और गैस को बिल्कुल हमें हाई फ्लेम पे रखना है और इसे ढक देंगे। ढक कर हम यहाँ पर लगभग इसे 12 से 15 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम होने देंगे। छोटे वाले जो मोदक हमने बनाए हैं वो 12 मिनट में आराम से स्टीम हो जाता है लेकिन जो थोड़े बड़े बनाए हैं उसे 15 मिनट आराम से लग जाएगा। तो लगभग मैंने 15 मिनट के लिए इसे स्टीम कर लिया है और बहुत ही अच्छे से हमारे मोदक यहाँ पर स्टीम हो गए हैं। तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ऐसे ही 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। तो मोदक हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये केसर वाला दूध डाल रही हूँ, हम चाहें तो इसके ऊपर देसी घी भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2 चम्मच गरम दूध में थोड़े से केसर के धागों को भिगो के रख दिया था और ये दूध हम इसके ऊपर यहाँ पर डाल देंगे ताकि ये दिखने में और भी सुंदर लगे और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे बहुत ही बढ़िया से मोदक बनकर हो गए तैयार और आप देख सकते हैं एक भी मोदक यहाँ पर बिल्कुल भी फटा नहीं है और टूटा नहीं है, बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गए हैं ये मोदक और दिखने में जितने सुंदर लग रहे हैं खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। फ्रेंड्स, गणेश जी के प्रसाद के लिए इस मोदक की रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए और उन्हें ये भोग ज़रूर से लगाइए। तो अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह की और भी रेसिपीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।